पैसे का लालच देकर महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला राजधानी के गोल बाजार थाने का है, जहां बाजार से अपने घर जा रही बुजुर्ग महिला से ठगों ने सोने चांदी के जेवर के बदले कागज की गड्डी बैग थमा दिया और फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घर जा रही बुजुर्ग महिला से अज्ञात पुरुष ने और महिला ने नोट आधा आधा बांटने का लालच दिया। वहीं ठगों ने पैसे का लालच दिखाकर महिला से सोने चांदी के जेवर उतरवा लिए और रुमाल में पैसे की जगह कागज की गड्ढी और पत्थर देकर फरार हो गए। महिला जब घर पहुंची और रुमाल को खोलकर देखा तो उसमें नकली सोने के कंगन और पत्थर थे। मामले को लेकर पुलिस ने ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला थाना गोल बाजार का है, जिसमें जो महिला थी रंगतीन भाई, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, उसे एक महिला तथा एक पुरुष जो उसको चिकनी माता मंदिर के पास मिले और पैसे का झांसा देकर उसे मोती बाग पास ले गए और उसे एक पुटली दी, जिसमें बताया कि जितना आपके पास जो सोना चांदी है उससे ज़्यादा इसमें पैसे हैं, और ऐसा करके उससे एक करधन मंगलसूत्र और सोने के जो टॉप्स है अपने पास रख लिए और एक उसे पुटली दे दिए। जब महिला बाद में जाकर उसमें देखी तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं, इस पर उसे ठगी का एहसास हुआ।